पंजाब 2022 की लगातार मुहिम जो है वो जारी है और हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने हेतु लगातार जो है जमीनी स्तर पे कार्यक्रम और बैठकें हो रही हैं और 5 जनवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पंजाब का दौरा है, जो पंजाब में बड़ी जनसभा को फिरोजपुर में वो संबोधित करने वाले हैं और पंजाब को आने वाले दिनों के लिए बेहतरीन तोहफे देने वाले हैं, उसी के निमित्त फिरोज अपना फतेहगढ़ चूड़िया विधानसभा के अंदर आज हमने जो यहाँ बैठक की है, यहाँ से तकरीबन 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता जो है उस रैली में जाने वाले हैं। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में पंजाब विधानसभा के चुनावों के मद्देनज़र लगातार ज़मीनी स्तर पे पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता से हैं और ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी मिलकर एक बेहतरीन सरकार दें ताकि पंजाब के अंदर एक बदलाव का जो वातावरण कांग्रेस मुक्त पंजाब की तरफ जो पंजाब के लोगों ने उपराला किया है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है और जिस तरीके से हम संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं, मैं यकीनन कह सकता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है और फतेहगढ़ चूड़िया विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी लड़ी नहीं, हम पहली बार ये चुनाव लड़ेंगे और यकीनन फतेहगढ़ विधानसभा जो है ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उसको हम बरकरार रखेंगे और आने वाले दिनों में भी लगातार चुनावों से पहले जो एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से बदलाव की हवा बह रही है, तो यकीनन फतेहगढ़ चूड़िया अपना योगदान भी उसके अंदर देगा और ये सीट जीतकर हम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र लीडरशिप की झोली में डालेंगे।